ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की एक कहानी शुरू होती है बनासकांठा जिला पालनपुर गुजरात से। बेंटले कार से चलने वाला 20,000 करोड़ रुपए सालाना कारोबार करने वाला करीब 149 अरब की संपत्ति का मालिक नीरव मोदी अचानक देश छोड़कर फरार हो गया। ये खबर चौंकाने वाली थी। सवाल उठे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अरबों का हीरा कारोबारी देश छोड़कर भाग गया। हीरे का कारोबार नीरव मोदी को विरासत में मिला था। कई पीढ़ियों ने जिस नाम को हीरे की चमक से चमकाया, उस नाम को नीरव मोदी की ठगी ने मिट्टी में मिला दिया। नीरव मोदी इस वक्त कहां है कोई नहीं जानता। नीरव के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी है, उसका भारतीय पासपोर्ट रद्द है। नीरव मोदी की तलाश इस वक्त 192 मुल्कों की पुलिस को है। वो कहां है कोई नहीं जानता, लेकिन लोग ये जरूर जान चुके हैं कि नीरव मोदी फ्रॉड की दुनिया का वो बेताज बादशाह है जिसने बैंक से लेकर सरकार को ऐसा ठगा कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। नीरव मोदी की हैसियत और उसके फ्रॉड की कहानी सुनने से पहले प्रधानमंत्री के साथ उसकी ये तस्वीर देख लीजिए। इस तस्वीर को लेकर सियासी गलियारे में खूब कोहराम मचा। पंजाब नेशनल बैंक के लिए नीरव मोदी का नाम किसी बुरे सपने से कम नहीं है। पीएनबी को नीरव मोदी ने जिस तरह ठगा, वैसी ठगी हिंदुस्तान में आज से पहले ना किसी ने सुनी ना देखी। नीरव मोदी ने मेहुल चौकसी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक को करीब 13,000 करोड़ का चूना लगाया और घोटाला करके दोनों मामा भांजे देश छोड़कर भाग गए। नीरव मोदी ने जिस तरह सिस्टम की खामियों का फायदा उठाते हुए बैंकों को अरबों का चूना लगाया, ये सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। नीरव मोदी ने सिस्टम में खामियों का ऐसा फायदा उठाया कि उसकी खबर ना तो बैंक को हुई, ना तो बैंक के किसी ऑडिट में उसका शातिराना खेल सामने आ सका। दरअसल उसने ऐसे तमाम लोगों को खरीद लिया था जो उसकी करतूत में उसके काम आ सकते थे। इन्हीं लोगों की मदद से उसने बड़े ही शातिराना ढंग से सिस्टम के लूप होल्स को रुपए छापने की मशीन में बदल दिया। नीरव मोदी ने बैंक को जिस तरह से ठगा, वैसा पहले कभी सुना नहीं गया था। चलिए आपको बताते हैं नीरव मोदी की 400 बीसी की वो कहानी जिसने उसे बना दिया सबसे बड़ा ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। सीबीआई और ईडी के मुताबिक 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले का मास्टरमाइंड नीरव मोदी है, जिसने अपनी पत्नी अमी, नीरव भाई निश्चल और अपने बिजनेस पार्टनर मेहुल चौकसी के साथ मिलकर देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले को अंजाम दिया। हुआ यह कि नीरव मोदी, उसकी पत्नी, उनके भाई निश्चल और साथ मेहुल को अपनी 3 कंपनियों के लिए कुछ सामान मंगाना था। ये सामान हांगकांग से खरीदा जाना था। सवाल था कि सामान के लिए पैसे कहां से आएंगे। इसके लिए इन्होंने 16 जनवरी 2018 को मुंबई के पंजाब नेशनल बैंक से संपर्क किया। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से कहा कि वो इन सामानों को मंगाने के लिए एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी कर दे। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का सीधा मतलब ये है कि सामान के लिए बैंक नीरव मोदी को पैसे देने के लिए तैयार है। पीएनबी ऐसा करने के लिए तैयार भी हो गया। 2018 में जब बैंक ने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करने के बदले में नीरव मोदी से 280 करोड़ रुपए नकद जमा करने को कहा, तो नीरव मोदी की ओर से कहा गया कि बैंक उन्हें बिना नकद जमा कराए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करता रहा है। इस पर एक अधिकारी को शक हुआ और बैंक ने इस मसले पर अपनी ओर से पड़ताल शुरू कर दी। इसके बाद जो सामने आया वो हैरान करने वाला था। जांच में पता चला कि नीरव मोदी, उनकी कंपनी या उनके किसी पार्टनर का बैंक में कोई रिकॉर्ड नहीं है। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि नीरव मोदी इस बैंक के 2 अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी तरीके से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बनवाता रहा है। ये अधिकारी बैंक के स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम में खेल करके नीरव मोदी को फायदा पहुंचाते रहे। बैंक के कुछ अधिकारियों ने नीरव मोदी को विदेश में क्रेडिट हासिल करने के लिए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग तो जारी कर दिए, लेकिन वो पंजाब नेशनल बैंक के कोर सिस्टम में कभी दर्ज नहीं हुए। मतलब नीरव मोदी और उनके साथियों को बैंक से मोटी रकम तो मिल गई, लेकिन नीरव मोदी खुद पंजाब नेशनल बैंक को पैसे देने की जिम्मेदारी से बच गया। नीरव का पूरा खेल 2011 में शुरू हुआ था और बैंक की ओर से इसे जनवरी 2018 में पकड़ा गया। शुरू में तो सीबीआई को नीरव और उसके ठग्स गैंग की तलाश केवल 280 करोड़ रुपए के मामले में थी, लेकिन जांच बढ़ी तो पता चला कि नीरव मोदी और उनके साथियों ने बैंक को करीब
13,000 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया है। कोई रिकॉर्ड ना होने की वजह से ना तो इस घोटाले की खबर बैंक को हुई, ना आरबीआई को ही इसकी भनक लगी और नीरव मोदी ने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दास्तान लिख डाली। शाम कितनी शानदार थी इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगा लीजिए। तारीख थी 14 अक्टूबर, साल था 2016। फिजाओं में हल्की ठंडक थी और जोधपुर का उम्मेद भवन नीरव मोदी ब्रांड के 5 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए तैयार था। औरतें नीरव मोदी ब्रांड के गहनों से लदी हुई थीं। पार्टी में बॉलीवुड से लेकर देश के करोड़पतियों का जमघट लगा था। ये नीरव मोदी का वो जलवा था जिसकी झलक हिंदुस्तान ने पहली बार देखी थी। एक के बाद एक नीरव मोदी अपने कलेक्शन दुनिया के शहरों में लॉन्च कर रहा था और दुनिया नीरव के हीरे की चमक को हैरानी से देख रही थी। नीरव का भरोसा सातवें आसमान पर था और उसका कारोबार दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा था। नीरव मोदी ने साल 2015 में जब न्यूयॉर्क के मेडिसन एवेन्यू में अपना बुटीक खोला तो ये साबित हो गया कि डायमंड के कारोबार में नीरव का सितारा बुलंदियों पर है। इस फंक्शन में नीरव ने डोनाल्ड ट्रंप के अलावा हॉलीवुड स्टार नाओमी वॉट्स, अमेरिका की सुपर मॉडल कोको रोचा के साथ भारत से लीजा हेडन और निमरत कौर को भी बुलाया। वो पार्टी शानदार थी। तब तक नीरव मोदी अपनी कंपनी से 7 गुना बड़ी फ्रेडरिक गोल्डमैन और अमेरिका की 120 साल पुरानी कंपनी सैंडबर्ग एंड सिकोर्सकी को खरीद चुका था। 2014 में नीरव मोदी ने नई दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में पहला फ्लैगशिप स्टोर खोला। 2016 में हांगकांग में नीरव मोदी ने 2 और बुटीक खोले। नीरव की ख्वाहिश 2025 तक दुनिया में कुल 100 स्टोर खोलने की थी, लेकिन उससे पहले नीरव मोदी का ख्वाब उसकी करतूतों की भेंट चढ़ गया। नीरव मोदी आज कहां हैं कोई नहीं जानता। 192 मुल्कों की पुलिस को नीरव की तलाश है, लेकिन इस बीच ठगी से कमाई और जुटाई नीरव मोदी की संपत्ति को ईडी ने जब्त करना शुरू कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने न्यूयॉर्क में नीरव मोदी की 216 करोड़ रुपए की 2 अचल संपत्ति जब्त कर ली है। लंदन के मैराथन हाउस से नीरव की बहन पूर्वी मोदी का 57 करोड़ रुपए का फ्लैट जब्त किया जा चुका है। सिंगापुर में पूर्वी मोदी और उनके पति मयंक मेहता का 44 करोड़ रुपए का खाता सिंगापुर में अटैच किया जा चुका है। इसके अलावा पूर्वी मोदी और नीरव मोदी से संबंधित 5 अन्य खाते अटैच किए जा चुके हैं। बताते हैं कि इन खातों में करीब 278 करोड़ रुपए का बैलेंस था। यही नहीं, ईडी नीरव की बहन पूर्वी मोदी का दक्षिण मुंबई में स्थित 19 करोड़ 5 लाख रुपए का फ्लैट जब्त कर चुकी है। यही नहीं, 22 करोड़ 69 लाख की ज्वेलरी हांगकांग से वापस मंगाकर अटैच की जा रही है। मतलब साफ है कि ठगी से बनाई नीरव मोदी की दुनिया में अब आग लग चुकी है, जिसके बाद नीरव मोदी का आज नहीं तो कल कानून के आगे घुटने टेकना तय है।
दुनिया अब इस चेहरे को ठग्स ऑफ हिंदुस्तान कह रही है। कल तक जिस नीरव मोदी की पहचान सफल हीरा कारोबारी की थी, वो आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े ठग के तौर पर पहचाना जा रहा है। नीरव मोदी का वर्तमान भले ठगी के आरोपों से स्याह हो चुका हो, लेकिन कुछ साल पहले उसकी जिंदगी की चमक के आगे हीरे की चमक भी फीकी थी। नीरव मोदी की जिंदगी हमेशा हीरे की चमक के इर्द गिर्द रही। बचपन में नीरव ने जब होश संभाला, तब तक पिता का हीरे का कारोबार जम चुका था। पिता पारंपरिक हीरे के जौहरी थे और नीरव की मां इंटीरियर डिजाइनर थी। साल 1960 में नीरव के पिता कारोबार के लिए सिंगापुर से बेल्जियम आ गए। वहीं नीरव का जन्म हुआ, लेकिन साल 90 का दशक आते आते परिवार आर्थिक दिक्कतों से गुजरने लगा, जिसके चलते नीरव ने पढ़ाई छोड़ी और मामा मेहुल चौकसी के साथ कारोबार की बारीकियां सीखनी शुरू कर दी। 19 साल की उम्र में नीरव मोदी मामा मेहुल चौकसी के साथ बेल्जियम से भारत आ गए। 10 साल तक नीरव मोदी ने 12 घंटे तक काम किया। नीरव को बदले में 3,500 रुपए महीना मिलते थे। इसी बीच नीरव ने ज्वेलरी डिजाइन करने का काम सीखा। नीरव का डिजाइन किया गया पहला गले का हार जब बिका तो उसकी कीमत थी 16.5 करोड़ रुपए। आभूषण के काम में नीरव की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही थी। ये वो दौर था जब नीरव ने हीरे के कारोबार में अपने पांव जमाने शुरू कर दिए थे। नीरव मोदी की जिंदगी का सबसे बड़ा लम्हा तब आया जब न्यूयॉर्क के मेडिसन एवेन्यू में उसने अपना पहला स्टोर खोला। इसका उद्घाटन करने के लिए उसने डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया। तब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं हुए, लेकिन बिजनेस की दुनिया में ट्रंप का डंका बज रहा था। साल 1999 में नीरव मोदी ने फायर स्टार डायमंड इंटरनेशनल नाम की फर्म शुरू की। इस फर्म का काम था हीरे खरीदना और बेचना। साल 2010 आते आते नीरव मोदी हीरे के कारोबार का बड़ा नाम बन चुका था, लेकिन जब हैदराबाद की गोलकुंडा खदान से निकले 12 कैरेट के हीरे से उसने एक नेकलेस बनाया तो तहलका मच गया। इस हार को हांगकांग में ऑक्शन के लिए रखा गया और ये हार करीब 23 करोड़ में नीलाम हुआ। इसके तुरंत बाद नीरव ने नीरव मोदी ब्रांड्स नाम से अपना डायमंड ज्वेलरी का कारोबार शुरू किया। साल 2013 आते आते नीरव मोदी का जलवा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। फोर्ब्स के लिस्ट में इंडियन बिलियनेयर की लिस्ट में नीरव मोदी का नाम शामिल था। साल 2014 में जब नीरव मोदी का एक नेकलेस 50 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ तो उसकी माली हैसियत $1.73 अरब यानी करीब 110 अरब रुपए के करीब पहुंच गई और कंपनी का रेवेन्यू $2.3 अरब यानी करीब 149 अरब रुपए के पार पहुंच गया। 2017 में भी नीरव मोदी को मशहूर पत्रिका फोर्ब्स ने जगह दी। फोर्ब्स के मुताबिक नीरव मोदी की उस वक्त की कुल संपत्ति करीब 149 अरब रुपए थी। लेकिन नीरव मोदी की जिंदगी में वो दौर आना बचा था जिसके बारे में नीरव मोदी के खानदान में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था।